देखो, मैं हूँ हमजा और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अच्छा, तो आज हम जो स्टॉक्स को कवर करेंगे वो होंगे टेली, टेलीकार्ड, AVN, TRG और नेटसॉल। तो आज ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की आज एनालिसिस है। अच्छा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने ANL, TPL, TPLP की जो मैंने जो एनालिसिस की थी, आप कंपेयर कर सकते हैं वो कितनी काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट चली, है ना। और मुझे उम्मीद है आप लोग ने उससे कोई ना कोई प्रॉफिट बनाया होगा। और उसके बाद मैं आपको आखिर में एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक की एक टिप दूंगा, सही है ना। आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, अभी बात की जाए टेलीकार्ड से ना, टेलीकार्ड की अगर हम बात की जाए तो आज काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, और हम कह सकते हैं कि अब जो इसमें जो पैटर्न बना है वो इवनिंग स्टार पैटर्न बना है ना। ये इवनिंग स्टार पैटर्न काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रहा है। अब हम बात कर सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस किधर लगा है ना। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि देखो आज की जो कैंडल बनी है ना, उसने समझो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें भी बता दी हमें, काफ़ी चीज़ें इसने बता दी। एक तो ये गैप अप होकर ओपन हुआ, और फिर क्लोजिंग काफ़ी नीचे थी जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट था। RSI ने यू टर्न, स्ट्रेट यू टर्न ले लिया, है ना। जो इसने अपनी सपोर्ट थी उसने वो भी ब्रेक कर दी। अब बात आती है क्या अब इसमें आगे क्या स्टेप रहेगा। ठीक है, मैं आपको अगर टेली कार्ड की बताऊँ ना, अगर ये अपना लो ब्रेक करता है ना, है ना, अभी इसने अपनी सपोर्ट तो ब्रेक कर ली, क्या पता ये सस्टेन अपनी सपोर्ट के ऊपर आ जाए, क्योंकि होता है अक्सर। जो आज इसका लो लगा 18.46, अगर ये टूट जाती ना, आप 1840 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जो मेरी एनालिसिस है उसके मुताबिक ये आपको फिर 1750 तक भी मिलने के चांसेस है, और 17.30 तक भी मिलने के चांसेस होंगे, सही है ना। उधर से हाँ ये बाउंस बैक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आज की पैटर्न ने हम लोग को काफ़ी चीज़ें बताई कि अब ये थोड़ा सा वापसी नीचे जा रहा है ना। इसे थोड़ी सी हमें रिजेक्शन दिखाई है, इसने हमें थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाई है। तो आज जिन्होंने फ्रेश एंट्री की है, तो जो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, सही है ना, ताकि फिर नीचे आप वापसी उठा सके। अगर चले मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, आप वापसी बाय कर सकते हैं, सही है ना। एटलीस्ट आप बड़े नुकसान से तो बच गए, अब ये सोचे, सही है ना। तो मैं तो कहता हूँ आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। लोग बैठे रहते हैं यार अभी आ जाएगा रेट, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, फिर नहीं आता रेट। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो इसकी जो बनता है ना वो है कि अभी ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर ये अपना लो ब्रेक करता। अगर नहीं ब्रेक करता तो अच्छा खासा हम इसमें भी बाउंस बैक देख सकते हैं, लेकिन ये अपने काफ़ी हद तक लो के पास बंद हुआ है, तो काफ़ी चांसेस होंगे ये नीचे जाए। तो ये है कि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ चुका है, मैं कहूँगा अब इसने शुरुआत कर ली है डाउन ट्रेंड की, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में अब ये आ रहा है। तो ये है बेहतर अभी इसमें अवॉइड ना करें जब तक कोई हम लोग को कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिख जाता। अगर हम इधर से देखें तो इसकी अब जो साइड सी बात, अब कोई सपोर्ट आ ही नहीं रही इसके अलावा 17 पॉइंट, इधर जिधर से उसने पहले उठा था। तो बात यही है कि फ़िलहाल तो इसे अवॉइड करें, फ्रेश एंट्री ना बनाए। जी आपको मैं बता देता हूँ, अगर बाय करना है किसी को तो किधर बाय करें। देखिए, अगर कोई बाय करना चाहता है ना, वो 17.29 पे इसकी सेफ बाय बन सकती है, और इधर से हम बाई बैक मतलब क्या इसमें थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं इसका अच्छा मूव ना। 17.29 पे आप अपनी फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है जी, आप ये बहुत ध्यान से रखिएगा। स्टॉप लॉस आप लोग बनाएंगे 16.52 का, सही ना। ये 16.52, 16.7 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 17.29 पे बेच, अगर आधा रुपया जो मैंने आपको बताया वो तोड़ता है तो भाई वापसी आपको 14.87 पर मिलने के चांसेस होंगे। तो आपको मैंने बता दिया फ्रेश एंट्री करनी है, सेफली कीजिएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस के मुताबिक तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में लग रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, कभी कभार ये थोड़ा सा गलत मूव भी आ जाता है, लेकिन ये है अगर इसने कल अपना आज का लो ब्रेक किया तो हम इसे मज़ीद नीचे जाते हुए देखेंगे, सही है ना। हम बात करते हैं अब TRG। ये TRG की फाइनेंशियल रिजल्ट भी आए जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग अमेजिंग उसने इसकी अर्निंग्स आई, सही ना। तो इसकी काफ़ी अमेजिंग अर्निंग्स आई है। देखिए इसकी मूव मैं आपको बताऊँ ना, तो इसने अपना डबल बॉटम मैं कहूँ तो बना लिया है ना, इसने अपना डबल बॉटम बना लिया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने इस एरिया में ये बाउंस बैक हुआ है RSI की भी थोड़ी सी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है।
अभी बात की जाए इसकी मूव की, देखिए आज जो कैंडल बनी है ना वो हैमर कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग साइन है ये, सही ना। तो जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनाई है आज, सही है ना, लो साइड पे हो सकता बनाई हो, मुझे नहीं लगता उन्हें ज़्यादा घबराने की टेंशन है, क्योंकि देखिए ये अभी काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें जब तक मंदी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक ये जो आपको लेवल बता रहा हूँ 149.26 का लेवल ब्रेक ना करे, इसमें मंदी स्टार्ट नहीं होगी, सही है ना। ये इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, सही है ना। चले अब हम आवर्ली से अगर कंपेयर करें कि आवर्ली इसकी क्या रह सकती है मूव, ठीक है, जो इसकी आवर्ली मूव रह सकती है, हमने देखा ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही अगर ये आवर्ली टाइम फ्रेम में 152.80 का लेवल ब्रेक करता है तो थोड़े से नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस होंगे, और अगर ये तकरीबन 165 का ही लेवल समझ लीजिए तो ये और ऊपर जाएगा। ये नहीं है कि अभी फ़िलहाल तो ये पॉजिटिव ही है, मैं कहूँगा फ्रेश एंट्री बनाई है कोई मसला नहीं है, जिन्होंने बना ली है, अब जिनकी ऊपर होल्डिंग है वो तो जाहिर सी बात है होल्ड करके ही रखेंगे। अगर हम 15 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम चेक करें, जी बिल्कुल, इन्होंने ये जो TRG है इन्होंने अपना ट्रेंड ब्रेक किया है ना, ये ट्रेंड ब्रेकिंग की है इसने। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मंडे मतलब कल क्या है आपकी, मैं आपको बताऊँगा कल है थर्सडे, है ना, थर्सडे को क्या मूव, क्योंकि ये वैसे ही नीचे आ चुका है, हो सकता है यहाँ से आपको अच्छा बाउंस बैक दिखे, है ना। ये कल हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रही, जाहिर सी बात है ये उम्मीद है इससे काफ़ी कि काफ़ी पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है ना वो बहुत ही आप कहेंगे पॉजिटिव कैंडल बनी है, हैमर, और जो इसकी बॉडी है बॉडी भी काफ़ी छोटी है ना, बॉडी काफ़ी छोटी है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं कहूँगा, इसने अपनी ये वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, जो कि एक अमेजिंग बात है। एंट्री बना ली तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं कहूँगा आपने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। स्टॉप लॉस का प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो इसने अर्निंग्स इतनी अच्छी की है, डिविडेंड नहीं पे किया चले, लेकिन अर्निंग्स इसकी ज़बरदस्त रही है। तो ये हो सकता है कल हमें थोड़ा सा पॉजिटिव डिप भी लेता है तो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाएगा। बिल्कुल आप देखें तो इसमें डबल बॉटम बन चुके हैं, यानी डबल बॉटम बन चुके हैं, तो हो सकते हैं वापसी 180 के लेवल के पास आ जाए, सही है ना। बिल्कुल आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए तो ये बेहतर रहेगा। अभी हम बात करते हैं AVN की, एवेंसियन जी, एवेंसियन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़, इसने डबल टॉप बना चुका है, सही है ना, आप देख सकते हैं इधर से इस स्तर तक इसने थोड़ा सा डबल टॉप बना लिया है, है ना, जो कि जाहिर सी बात है एक नेगेटिव बात है। और ऊपर से RSI ने तो खैर इसी दिन हम लोग को बता दिया था कि अब इसके अंदर पोटेंशियल नहीं रहा। ये देखिए प्राइस तकरीबन इक्वल ही मैं कहूँगा, ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं RSI को देखें जो ये टॉप लगा था, खैर इसके बाद वाला यही बनता चले, इसने काफ़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस शो की, सही ना, जो कि जाहिर सी बात है नेगेटिव बात बनती है। और ये है कि थोड़ा सा डिप हो सकता है ले, ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ चुका था। चलिए मैं आपको अगर हम एक इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर तो नहीं कहूँगा, तो इससे थोड़ा सा हमें बेहतर व्यू पता चल जाएगा इसका कि ये क्या रह सकता है, इसका बेहतर व्यू से, है ना। एक सेकेंड जी जी ये थोड़ा सा हमें वापसी 123 के मेरे हिसाब से ये लेवल है, इधर हमें वापसी हो सकते हैं, वापसी डिप लेते हुए मिले। पहले तो जो इसका जो सपोर्ट आ रहा है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही मैं कहूँगा 127.86, इधर से भी चांसेस होंगे बाउंस बैक होने के, तो ये हो सकता है ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे कल, अगर नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहने के काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन यही बात है अगर ये आज का लो ब्रेक नहीं करता कल तो ये पॉजिटिव बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसे फ्रेशली अपनी एक मैं कहूँगा जी एक गोल्डन रेशियो ब्रेक किया है, जो कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो नेगेटिव ही शो कर ही रहा है हमें, थोड़ी सी नेगेटिविटी से। तो ये एवेंसियन की बात रही कि इसने डबल टॉप बना लीजिए, बना लिया और इसने रिजेक्ट भी हुआ अपने रेजिस्टेंस से।
कोई फ्रेश एंट्री अगर बनाना चाहता है तो हम भी देखते हैं। अगर ये जो इसका ये जो पॉइंट था 111, खैर इधर तक तो आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, 116 तक हो सकता है ये आए, तो फिर देख सकते हैं हम फ्रेश एंट्रीज में बनाने का। तो ये रहा है वैसे। अब हम आते हैं नेटसॉल की तरफ से, है ना। नेटसॉल काफ़ी लोग फंसे हुए भी होंगे, काफ़ी लोग ने कम नीचे भाव से प्रॉफिट भी कमाया होगा। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, जो आज की कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो अच्छी दी है, नेगेटिव नहीं दी क्लोजिंग, सही है। और अगर मैं अपनी रिट्रेसमेंट बनाऊँ तो इसकी जो रिट्रेसमेंट बनती है, इसका जो हाई था जो कि एटलीस्ट 157 था, जी जी ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास है। हो सकता है आपको कल पॉजिटिव दिखे, आपको अपर कैप के करीब करीब, या हो सकता है कम प्रॉफिट, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है ना। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें कि बिल्कुल ही कल की मूव क्या रह सकती है, उस हिसाब से तो जी बिल्कुल ये थोड़ी सी पॉजिटिव ही रह सकती है, उम्मीद तो है बड़ी इससे। अगर ये शुरू के 15 मिनट में, हो सकता है आपको शुरू में भी अच्छी खासी, क्योंकि देखें तो हम इसमें भी ट्रेंड ब्रेकिंग का एक सिलसिला बिल्कुल देखा जा रहा है ना, ट्रेंड ब्रेकिंग का सिलसिला, तो हो सकता है ये यहीं से आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाए और ये वापसी ऊपर जाए अपने 132 के लेवल के पास। तो ये है कि इसमें भी हम इतनी नेगेटिविटी नहीं कहेंगे, ये भी अच्छा है, अभी हो सकता है ऊपर जाए। RSI थोड़ा सा नेगेटिव है तो सही, लेकिन ये है कि ये उम्मीद है इससे बड़ी कि ये अच्छा हमें साइन शो करेगा, सही है। तो अभी हम अगर बात करें सही है, तो इसी तरीके से फ़िलहाल तो हमारा ये सेशन वाइंड अप करते हैं। तो अच्छा, और अगर आप लोग जानते हो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगे, इसमें ANL और काफ़ी उसने काफ़ी हद तक मेरी कॉल्स के हिसाब से ही चले थे ना, काफ़ी हद तक जो मैंने एनालिसिस किए। प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं हूँ हमज़ा और मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।